इस चुनाव का संदेश दिल्ली तक जाएगा। 7 चुनाव की चिंता बीजेपी को नहीं है, 6 में कुछ भी हो, लेकिन खेमसर में हनुमान को हराना है। और उनके साथ हमारे समाज के वो नेता जिनकी समय समय पे मैंने मदद की, उन्होंने जब भी कर्म कांड किए, जब उलझ रहे थे, मैंने आप लोगों के अंदर से मदद की, लेकिन आज सबका एक ही मकसद है कि हनुमान हारना चाहिए। और भाइयों, अगर हनुमान हार गया तो किसान कौम हार जाएगी, हनुमान हार गया तो दलित हार जाएंगे, हनुमान हार गया शोषित हार जाएगा, और हनुमान हार गया मुसलमान हार जाएगा। आपके आंसू पहुंचने वाला कोई राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा। ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं सारे, फिर भी मैं सारी गालियां खा के भी चुप बैठा हूं, चुप होंगे नहीं हूं। बताओ, चुनाव के बाद मुझे कोई गाली दे के देख ले और दोबारा गाली दे दे तो। अवैध माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नाम पे सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है। आप चिंता मत करना, मैं नागौर के अंदर हूँ, राजस्थान की सरकार में दम है, मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ देख के दिखा देना, चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा, पहले संघर्ष होगा।